और मैं कसम खाती हूँ कि मैंने आपसे कोई बेवफाई नहीं की। तो फिर ये डायरी क्यों संभाल के रखी तुमने? क्या बात है, आप मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम दोनों की जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि आप किसी बात में मुझसे खफा हो गए हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो भी बात है एक दूसरे से कह के उसको ख़त्म कर देते हैं। मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। बात मैं भी नहीं बढ़ाना चाहता। अफसोस मुझे इस बात का है कि जो हकीकत मुझे तुमसे मालूम होनी चाहिए थी वो तुमने मुझे नहीं बताई। मैं कुछ समझी नहीं, किस हकीकत की बात कर रहे? क्या छुपाया मैंने आपसे? तुम शादी से पहले एंगेज थी, ये बात मालूम थी मुझे। ये बात तुमने क्यों छुपाई कि तुम अजय से मोहब्बत रखती थी? जमाल, आपको ये बात मालूम थी कि मेरी 10 साल मंगनी रही है उससे, और वो मेरा कजन था, और मंगनी के बाद एक दूसरे की तरफ झुकाव ही नेचुरल है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उससे प्यार करती हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं दो प्यार करने वालों के दरमियान आ गया हूँ। तुम्हारा मेरी बात सुने। हाँ ये सच है कि आपसे शादी मेरे इख्तियार में नहीं थी, लेकिन आपसे वफादारी ये मेरे इख्तियार में है, और मैं कसम खाती हूँ कि मैंने आपसे कोई बेवफाई नहीं की। तो फिर ये डायरी क्यों संभाल के रखी तुमने? मुझसे गलती हो गई, मैं इसको आग लगाने लगी थी, लेकिन जल्दबाज में मैं अपने सामान के साथ ले आई और उसे फेंकने ही वाली थी कि भूल गई और आपको मिल गई। मेरा यकीन करे जमाल, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारा यकीन करता था अम्बर, पर अब मैं चाह के भी तुम्हारा यकीन नहीं कर पा रहा। प्लीज ऐसा मत सोचे जमाल, मैं इस अजियत में मर जाऊंगी। तो इसको पढ़ के मैं कौन सा जिंदा हूँ? जमाल, हम दोनों ऐसा करते हैं कि आपको जो भी मुझसे पूछना है ना, जो मालूम करना है, जो कहना है, जो भी करना है, एक ही बार कर लें। हम एक ही बार एक दूसरे का दिल साफ कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे कभी बात नहीं होगी जिंदगी में, ठीक है? काश ऐसा हो सके। प्लीज जमाल, प्लीज मुझ पे भरोसा करें और खुद को तकलीफ मत दें। बेहतर ये होगा कि मैं तुम्हें तकलीफ देने के बजाय खुद को सजा देता। ऐसे दर्द छुपा कर बैठ